वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द 19th लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंसेस। आज के लेक्चर में हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं, हम इन्हें डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं, और बेशक हम इंग्लिश में बात कर रहे हो या उर्दू में बात कर रहे हो, क्या हम टेंसेस का यूज कर रहे होते हैं, और अगर कर रहे होते हैं तो हम क्या सही टेंसेस का यूज कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे और टेंसेस का एक शॉर्ट ओवरव्यू भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंसेस होते क्या है। हम डेली लाइफ में जब किसी से बात कर रहे होते हैं, ऑल्दो हम उर्दू में बात कर रहे हो या इंग्लिश में बात कर रहे हो, क्या हम टेंसेस का यूज कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, हम टेंसेस का यूज कर रहे होते हैं। कैसे? अगर सपोज कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और मैं उसे अपने पास्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ, बेशक मैं उर्दू में बात कर रही हूँ बट मैं उसको पास्ट का रेफरेंस दे के बात करूंगी, मीन कि मैं ये काम करती थी, मैं वहां पर काम करती थी, मुझे ये सब कुछ पसंद था, मैं था का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो था मुझे किस चीज का बता रहा है, पास्ट के बारे में। इसी तरह अगर मैं सपोज कि अपने प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ किसी से, जिसमें मैं उसको बताना चाह रही हूँ कि मैं अभी प्रेजेंट में कहाँ जॉब कर रही हूँ, तो मैं बताऊंगी कि मैं इस जगह पर जॉब कर रही हूँ, मीन अभी मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैं अगर फ्यूचर के बारे में बात करूँ कि सपोज कि मेरा प्लान है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो मैं उसको जो जिससे मैं बात कर रही हूँ मैं उसको ये बताऊंगी कि इन फ्यूचर मैं वहां पर जाऊंगी, गी का वर्ड यूज कर रही हूँ मैं। इसी तरह मीन कि उर्दू में भी वर्ड्स के मीन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो उर्दू सेंटेंसेस हैं उनकी भी पहचान में अगर हम देखें तो हमें टेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो मिलता है। कैसे? अगर मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो प्रेजेंट की बात में देखो तो हमारे उर्दू सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ती हूँ, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। इसी तरह अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो ता था, इसी तरह थी, थे, इस तरह के वर्ड्स उसमें भी आ रहे होते हैं। और इसी तरह जब मैं फ्यूचर की बात करूँ तो गा, गी, गे, इस तरह के वर्ड्स भी हमारे फ्यूचर की जब हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं किसी से तो उसमें आ रहे होते हैं। तो टेंसेस बेसिकली हमें बताते हैं कि क्या चीज कब हुई, इसलिए हम टेंसेस का यूज करते हैं अपनी चीज को क्लियर करने के लिए, अपनी जो बात है उसको क्लियर करने के लिए हम टेंसेस का यूज करते हैं। इन डेली लाइफ कम्युनिकेशन भी हम उसमें भी यूज कर रहे होते हैं। और इसी तरह जो है टेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल टेंसेस होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। 12 कुछ लोग इस बात पर एग्री नहीं करते बट मोस्टली इस बात पे एग्री करते हैं, सो हम 12 टेंसेस को ही लेकर चलेंगे। और मेन क्वेश्चन ये है कि जब भी आप टेंसेस को यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपको नहीं भी पता कि अब तक के टेंसेस क्या हैं तो आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक टेंस को हर वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ये जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू है, हम डिटेल में एक एक टेंस को कवर करेंगे। प्रेजेंट टेंस जब भी हम, बेशक प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो भी टेंस है प्रेजेंट से रिलेटेड, हम उन सब में मोस्टली एक ही चीज का जिक्र कर रहे होते हैं या अपनी प्रेजेंट रूटीन का कि हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमारी क्या रूटीन है आजकल। इसी तरह प्रेजेंट हैबिट्स हमारी क्या है, इसी तरह प्रेजेंट एक्टिविटीज क्या हैं, जो रोजमर्रा के हमारे काम हैं वो क्या हैं, या प्रेजेंट हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो प्रॉब्लम्स अभी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रही हैं मैं उनको प्रेजेंट में काउंट कर सकती हूँ। और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमें इन चारों प्रेजेंट के जो चारों फेजेज हैं उनमें हम यूज करेंगे वो सारे ये हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैज बीन, हैव बीन। और आपको ये देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हम एक एक वीडियो में सब कवर करेंगे। इसी तरह पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हम जब यूज करते हैं तो हम बेसिकली जब हम कोई पास्ट की बात कर रहे होते हैं ना उसको शो करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और पास्ट की बात इस तरह भी आप कह सकते हैं, जैसे हम छोटे होते स्टोरीज पढ़ते होते थे कछुए की, कछुए और खरगोश की, इसी तरह हम जब किसान की एक स्टोरी पढ़ते होते थे जिसमें होता था किसान के चार बेटे थे, वो आपस में लड़ते थे या उनमें इत्तफाक नहीं था, मीन हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह कोई एसे वगैरह जब हम लिखते हैं उसमें भी हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज गुजर गई होती है हम मोस्टली उसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना, पास्ट रूटीन्स के बारे में, पास्ट हैबिट्स के बारे में। इसी तरह फिर जो कोई इवेंट्स हैं, जैसे कोई गुजर चुके हैं, जैसे हम पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो हम जब उसकी बात करते हैं तो हम वो एक पास्ट का इवेंट है जिसको हम याद कर रहे होते हैं, इसलिए हम उसको डिनोट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो हैं वाज, वर, हैज, हैड, हैडन। इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स हम पास्ट में यूज करते हैं और इनको हम डिटेल में
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर टेंस में हम क्या चीज देखते हैं। फ्यूचर टेंस में हम जो चीजें अभी हमने की नहीं होती, जो कि हमारी जिंदगी में आगे अभी होंगी, मीन जो अभी तक इवेंट अकर नहीं हुआ ना, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। या फिर जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ चीजें पहले डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैं, जैसे अगर सपोज कि मैं अभी एफएससी में हूँ तो मैं एफएससी के बाद मैं आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, तो ये एक मैंने पहले से एक प्लान किया हुआ है। तो ये एक चीज है कि इसी तरह मैं कोई भी अपने कमिंग डेज के बारे में कोई भी अगर पहले से कोई चीज प्लान करूँ तो वो सब क्या होगी, वो फ्यूचर उसमें चली जाएंगी। इसी तरह जो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करें वो क्या होंगे, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसलिए ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि हम जब हम एक एक करके इन टेंसेस को कवर करेंगे तो हम इनमें यूज करेंगे और इनका कंप्लीट यूज बताएंगे। इसी तरह जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस के वो क्या होते हैं, वो हमारे पास होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारे पास जो ऑल द सेंटेंसेस हमारे पास रहेंगे वो यही है जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, यही जो है आपके ऑल दो जो टेंसेज में हम यूज करेंगे, जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होंगे वो यही है। नेम की जगह पे कुछ नेम्स आ सकते हैं, मीन कोई भी नेम हो सकता है, बट जो मेन है हमारे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो यही रहेंगे। इसी तरह हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब हमारे पास बेसिकली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं, वहां पे हमने वर्ब को काफी डिटेल से कवर किया है। बट यहाँ पे मैं वर्ब के बारे में जस्ट इतना बताना चाहूंगी कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में जो कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। जैसे कि ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग या मीन थिंकिंग, कुछ भी इस तरह का जो वर्ब जो आपको ये बता रहा है कि जो एक्शन इन अ सेंटेंस परफॉर्म हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये वर्ब है। इस तरह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, डे, टाइम, प्लेस, लोकेशन, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये है एक ओवरव्यू ऑफ टेंसेस। यहाँ पे आपको जो रेड कलर से लिखा नजर आ रहा है वो बेसिकली टेंसेस के नेम है, और यहाँ पे जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है वो उनकी स्मॉल एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल्स को कवर नहीं करेंगे, जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए कि हम किस सीक्वेंस से चलने वाले हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको आपको शो करवाया है। जैसे बेसिक लेवल में हम प्रेजेंट जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, फिर पास्ट सिंपल टेंस मीन पास्ट इंडेफिनिट, और फिर फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस और फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करेंगे। और इसी तरह एडवांस लेवल में हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट को कवर करेंगे। और फिर इसके बाद जो कि बहुत हाई लेवल है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, इसी तरह फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम कवर करेंगे। सो अगर आपको इनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक एक टेंस को हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, उसके क्या उसकी पहचान है, क्या हम उसमें अगर हम सिंपल सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हमें किस तरह बनानी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स उसमें यूज होंगी, और किस तरह हम उन्हीं सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, और किसी तरह हम उसकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।